दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम पर। पीएम मोदी ने पेट्रोल पर 5 रुपए टैक्स घटाया था तो बीजेपी ने इस बात का जमकर गुणगान किया था, लेकिन पिछले 14 दिनों में पेट्रोल के दाम करीब 8.5 रुपए बढ़ चुके हैं और देश के कुछ हिस्सों में तो पेट्रोल 100 पार चला गया। लेकिन संसद में जब पेट्रोल डीजल की महंगाई पर डिबेट की मांग की गई तो वेंकैया नायडू ने बेदर्दी से इसको ठुकरा दिया। वेंकैया नायडू ने कहा महंगाई पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है और सांसद इस मुद्दे पर बोलते ही रहते हैं, जिसके बाद विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया तो वेंकैया नायडू ने संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। बारह बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सांसदों ने पेट्रोल डीजल पर चर्चा की मांग की और एक बार फिर कार्यवाही को स्थगित कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनहित के मुद्दों पर संसद में डिबेट की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि पीएम मोदी दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार में कांग्रेस के जमाने से कम महंगाई है। तो सरकार को सवालों से डर क्यों लगता है? क्या संसद में महंगाई के मुद्दे पर डिबेट नहीं होनी चाहिए?